हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, यदि आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, बी नसीरुद्दीन महमूद तुलक, सी अलाउद्दीन खलजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें, बी नसीरुद्दीन महमूद तुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी भोजपुरी, डी ब्रजभाषा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? ऑप्शन है ए मुगलों ने, बी यूनानियों ने, सी मुगलों ने, डी तुर्की ने। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें, डी तुर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदी मुस्लिम गाना गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ऑप्शन है ए वीणा, बी ढोलक, सी सारंगी, डी सितार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें, डी सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए नामदेव, बी बल्लभाचार्य, सी रामानंद, डी रामानुज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मथुरा, डी मगहर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें, डी मगहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुक्काराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी बाबर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें, बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वितीयवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, बी मध्वाचार्य, सी विवेकानंद, डी शंकराचार्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें, डी शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? ऑप्शन ए शंकर देव, बी ज्ञान देव, सी चंडीदास, डी चैतन्य महाप्रभु। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें, डी चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी है और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी? ऑप्शन ए हिंद केसरी, बी राय बहादुर, सी द राइट ऑनरेबल, डी केसर ए हिंद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें, डी केसर ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी मैडम भिखाजी कामा, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें, सी मैडम
भीखा जी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्राही चुना गया था, दूसरे सत्याग्राही कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी उठा के देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? ऑप्शन ए 1905 ई में, बी 1907 ई में, सी 1911 ई में, डी 1912 ई में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें, सी 1911 ई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ऑप्शन ए बी सी पाल, बी सी आर दास, सी भूला भाई देसाई, डी मोतीलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें, बी सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए आगा खा, बी हसन खा, सी हमीद खा, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें, ए आगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बी डी सावरकर ने, बी सी आर दास ने, सी सरदार भगत सिंह ने, डी आर जी भंडाकर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें, ए बी डी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी सरदार भगत सिंह, डी एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, ए सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की फूट के बाद अंग्रेज किसके हाथ में कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? ऑप्शन ए गरम दल वालों के, बी नरम दल वालों के, सी उग्रवादियों के, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें, बी नरम दल वालों को। फ्रेंड्स जो नरम दल वाले हैं उन्हें उदारवादी भी कहा जाता था, तो यदि ऑप्शन में ये आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फ्रेंड्स जो नरम दल है उसे उग्रवादी कहा गया, जो नरम दल है उसे उदारवादी, और जो गरम दल है उन्हें उग्रवादी कहा गया था। आपने उनके नाम भी याद किए हुए हैं, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल। तो फ्रेंड्स ये जो तीन थे ये जो इस दल के नेता थे। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी अरविंद घोष, सी महात्मा गांधी, डी ब्योमेश चंद्र बनर्जी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें, बी अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ए 1907 में, बी 1913 में, सी 1917 में, डी 1929 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें, बी
1913 में। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।